Hi, good evening to all my viewers. This is Shivani Kapoor and you're watching Cricket Maiden. So in this video, we are going to talk about all the cricket news and its updates, especially Champions Trophy ki update hai. Bahut sari uske regarding update hai. India kya kar raha hai, Pakistan ja raha hai ki nahi ja raha hai, uske baare mein update hai. And Gautam Gambhir kya khichdi paka rahe hai, uske baare mein bhi update hai. So sabse pehle, aap video ko like karenge. Agar abhi tak channel subscribe nahi hai, to subscribe karenge. And agar koi comments hai, to bhai video ke end mein aap likh dijiyega. Shuru mein sirf video dekhiyega. So सबसे पहले बिग न्यूज के साथ स्टार्ट करते हैं, एंड दैट इज द चैंपियंस ट्रॉफी न्यूज. तो भाई आईसीसी की बिग मीटिंग होने वाली है, जहां सारे बोर्ड मेंबर्स जो हैं वो होने वाले हैं. 20th जुलाई को ये मीटिंग है आईसीसी की, जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होगी. चैंपियंस ट्रॉफी भी डिस्कस होगी, एंड जो अभी वर्ल्ड कप गया था वहां न्यूयॉर्क में कुछ $20 million का लॉस हो गया, एंड बीसीसीआई इज वेरी एंग्री फॉर दैट, बिकॉज एक तो दिन डे के मैचेस करवाने पड़े, एक जो टिकट के प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा हाई थे, एंड इंडिया के मैचेस भी पूरे सोल्ड आउट नहीं जा रहे थे. और ये बहुत कम हमें देखने को मिलता है कि इंडिया के मैचेस भी जो हैं वो यू नो पार्शियल कैपेसिटी के जाएं, और बाकी मैचेस के तो पूछे ही ना, बहुत ही कम तो था वो क्राउड था. तो ऐसा सुनने में आया दैट जो पूरा न्यूयॉर्क का आईसीसी के तरफ से मैनेज कर रहा था, जो कंपनी मैनेज कर रही थी, वो उस कंपनी का जो ओनर है वो कुछ साल पहले ही आईसीसी ने उनको बाहर निकाला था. सो एक इनएफिशिएंट बंदे को उन्होंने यू नो पूरा वर्ल्ड कप मैनेज करने को दे दिया था. तो इस वजह से यू नो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया, $20 million का नुकसान हो गया, एंड बीसीसीआई मेंबर्स आर वेरी वेरी एंग्री ऑन आईसीसी फॉर दिस, बिकॉज ये जो कॉस्ट है ये सबको बेयर करने पड़ेगी. ये प्रॉफिट हो सकता था, हालांकि वहाँ लॉस हो गया. सो इस बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन होगी. सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन होगी वो चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की होगी. तो अब कंफर्म न्यूज़ ये आ रही है, बीसीसीआई के सोर्सेज ने कह दिया है दैट इंडियन प्लेयर्स हैव रिफ्यूज्ड कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए. सो भाई जब इंडियन प्लेयर्स ही नहीं खेलना चाहते हैं वहाँ, तो भाई किसी और से तो बात बियॉन्ड पूछने की बात ही नहीं है. आई डोंट नो यहाँ कितने लोग कब से चैनल फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम से मैं अपने लाइव शोज में ये बार बार बोल रही हूँ दैट यार इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस एक चीज़ है, बीसीसीआई का स्टांस दूसरी चीज़ है, आईसीसी की फॉर्मेलिटीज तीसरी चीज़ है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ है प्लेयर्स का कंफर्ट लेवल. बिकॉज प्लेयर्स जो हैं वो अकेले इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, प्लेयर्स की फैमिलीज हैं, उनके बच्चे हैं. सो अगर एक क्रेडिबल सिक्योरिटी थ्रेट है यू नो पाकिस्तान में, तो भाई आई डोंट थिंक द फैमिलीज विल ऑल्सो बी वेरी कंफर्टेबल इन आइदर सेंडिंग द प्लेयर्स देयर और गोइंग देयर देमसेल्व्स. तो भाई आजकल तो सारी फैमिलीज वाइफ्स के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ ट्रैवल करते हैं, एंड अगर वो प्लेयर्स के लिए सेफ नहीं है तो वाइफ्स एंड चिल्ड्रन के लिए तो बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा. सो आई डोंट थिंक दैट द पेरेंट्स और द वाइफ्स और द चिल्ड्रन विल बी वेरी कंफर्टेबल सेंडिंग द मेन देयर, एंड द मेन देमसेल्व विल नॉट बी वेरी कंफर्टेबल गोइंग देयर. तो भाई अगर कंफर्ट लेवल नहीं होगा, पीस ऑफ माइंड नहीं होगा, तो आप खेलेंगे कैसे? सो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई है दैट प्लेयर्स हैव डिनाइड, आई मीन दे हैव रिफ्यूज्ड दैट हम पाकिस्तान नहीं खेलने जाएंगे. जब प्लेयर्स नहीं मना कर दिया तो इंडियन गवर्नमेंट तक आई थिंक बात ही नहीं पहुंचेगी, बीसीसीआई अपने लेवल पे ये हैंडल कर लेगा, एंड एक हाइब्रिड मॉडल जो है, आइदर द मैचेस विल बी प्लेड इन दुबई और द मैचेस विल बी प्लेड इन श्रीलंका. ये दोनों जो हैं ऑल्टरनेट वेन्यूज होने वाले हैं. 22nd को जो है आईसीसी की एजीएम है, वहाँ जय शाह भी होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, कोलंबो में है ये, एंड यू नो वहाँ डिसाइड हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा कि एक्चुअली चैंपियंस ट्रॉफी का क्या फॉर्मेट होगा. तो भाई बहुत सारे करोड़ों रुपए जो पाकिस्तान खर्च कर रहा है अपने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट के लिए, 3 स्टेडियम्स जो है उनका अपग्रेड के लिए मैंने सुना है कुछ 700-800 करोड़ ये खर्च कर रहे हैं. इतना तो इनका रेवेन्यू भी नहीं है साल का, पता नहीं कहाँ से इन्होंने प्रॉफिट निकाला है. सबको पता है कि ये कहाँ से पैसा आता है, एंड यू नो ऑल दैट अपग्रेडेशन माइट गो डाउन द डम्स. तो मुझे लगता है आई डोंट थिंक दे शुड वेस्ट देयर मनी, बिकॉज इंडिया इज नॉट गोइंग टू गो टू पाकिस्तान. येस इंडिया विल गो टू दुबई और विल गो टू यू नो श्रीलंका, और वहां से जो रेवेन्यू आता है उससे आपको प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन जो आपके वहां लोकल स्टेडियम्स हैं मुझे नहीं लगता वहां इंडिया जाएगी. एंड अब तो कंफर्म ही हो गया दैट एकदम रिफ्यूजल हो गया प्लेयर्स की तरफ से कि इंडिया वहां नहीं जाएगी.
सो भाई ये स्टोरी आ रही है एंड हमारे एक व्यूअर है समीर जी, उनके पास सारी खबरें रहती हैं, तो समीर जी ने मुझे ये सारी स्टोरी अपडेट कर दी है। तो थैंक यू समीर जी, आप यू नो मेरा बड़े क्रेडिबल सोर्स हैं एंड मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन अभी ज़्यादा पब्लिक के पास नहीं है। तो अभी आप इस चैनल पे समीर जी के ऑल थैंक्स टू समीर जी आप ये चैनल में देख सकते हैं। सो एनीवे चैंपियंस ट्रॉफी की ये अपडेट है दैट हाइब्रिड मॉडल डिसाइड हो चुका है। अभी जब ये 22nd को मीटिंग होगी उसमें ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसके बाद जो है हमें भी अनाउंसमेंट एंड कन्फर्मेशन मिल जाएगी एंड द प्लेयर्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू गो टू पाकिस्तान टू प्ले चैंपियंस ट्रॉफी। तो भाई दिस इज द अपडेट रिगार्डिंग चैंपियंस ट्रॉफी। अब हमारे सेकंड टॉपिक में आते हैं, वो है पाकिस्तान। तो भाई बिकॉज पाकिस्तान से रिलेटेड है चैंपियंस ट्रॉफी, तो हम पाकिस्तान की खबर पहले पकड़ लेते हैं। तो भाई वहाँ जो है कोचेस की रिपोर्ट, गैरी कर्स्टन की रिपोर्ट जो है वो फाइल हो गई है विद द PCB एंड इन इफेक्ट जो है टाटा बाय बाय हो गया है वहाब रियाज एंड अब्दुल रजाक का। वैसे ये थोड़ा सा मुझे फिशी मैटर लग रहा है, क्योंकि 7 मेंबर सिलेक्शन कमेटी में सिर्फ इन दोनों को क्यों निकाला है? मतलब ऐसा तो नहीं था कि इन दोनों का वोट शेयर ज्यादा था या इन दोनों ने कुछ स्पेशल धक्का मुक्का लगा के यू नो कोई टीम भेजी है और बाकी लोग अपोज कर रहे थे कि हम ये प्लेयर्स नहीं चाहते। अगर ऐसा है कि बाकी लोग अपोज कर रहे थे और इन्होंने जबरदस्ती करके कुछ मेंबर्स को भेजा है, देन तो ऑब्वियसली दे शुड बी फायर्ड इमिजिएटली। फायर ये हो चुके हैं, लेकिन इसके पीछे ये रीजन नहीं पता है कि पूरी सिलेक्शन कमेटी पे ऊपर काज क्यों नहीं गिरी और सिर्फ इन पे क्यों गिरी है। एंड गैरी कर्स्टन की रिपोर्ट पे एक चीज तो बाहर आई है दैट शाहीन शाह अफरीदी वॉज मिसबिहेविंग इन यू नो इन जो मैच USA जो ये T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था। तो यार शाहीन शाह अफरीदी, मैं पहले भी इस बात को दोहरा चुकी हूँ, दैट शाहीन शाह अफरीदी को आप एक सीरीज के लिए कैप्टन बनाओगे एंड देन फिर बड़ी ब्रूटली बड़े मर्सिलेसली उनसे वो कैप्टनसी छीन लोगे। हालांकि ठीक है वो 4-1 हार गए थे न्यूजीलैंड से, बट हार तो इवन यू नो बाबर आजम इज लूजिंग बिग टाइम। तो ऐसा नहीं है कि बाबर आजम बहुत सारे मैचेस जीत रहे हैं, वो अभी सालों सालों से हार रहे हैं। तो एक सीरीज के लिए कैप्टन बनाना, फिर उससे उन जैसे स्टार प्लेयर को कैप्टन बनाना, ये भी नहीं कोई जूनियर प्लेयर को बना दिया, तो भाई उसके बाद इनको बिठा देना एंड देन बाबर को वापस कैप्टनसी दे देना। सो आई डिडंट एक्सपेक्ट कि वैसे भी शाहीन शाह अफरीदी ज़्यादा सपोर्टिव होंगे, बट ये खबर आ रही है कि बिल्कुल दिस वॉज एब्सोल्यूट बैड बिहेवियर फ्रॉम हिम। वो बिल्कुल भी कोचेस की या कैप्टन या किसी भी लोगों की बातें नहीं सुन रहे थे, सिर्फ अपनी कर रहे थे जो कर रहे थे एंड यू नो काफ़ी यू नो पूरे टीम में मेस क्रिएटेड था एंड शाहीन शाह अफरीदी वॉज लीडिंग दैट। सो बाबर आजम ने रिपीटेडली कहा है कि यू नो ग्रुपिंग है, ये है मेरे अगेंस्ट ये कॉन्स्पिरसीज हैं, ये है। तो अब पता चल गया कि शाहीन शाह अफरीदी वॉज एक्चुअली रूलिंग दी ऑपोजिट पार्टी। तो भाई देखिए इसमें मुझे 100% शाहीन की गलती तो नहीं लगती। अगर आप प्लेयर को डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो वो भी वापस रिटर्न में आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, कंसिडरिंग ही इज अ वेरी बिग प्लेयर। तो भाई अगर इंडिया को देखा जाए, इंडिया में भी मल्टीपल कैप्टन बनते हैं। अब जैसे आगे ODI सीरीज में KL राहुल को बनाया जा रहा है, T20 सीरीज में हार्दिक पांड्या दोबारा से कैप्टन बनेंगे। सो यू नो बट इंडिया में क्या करते हैं कि जो मेन कैप्टन होता है वो सबको पता होता है कि भाई ये हमारा मेन कैप्टन है, अगर वो बंदा अवेलेबल नहीं है किसी सीरीज में तो यू नो सब्स्टिट्यूट कैप्टन, जैसे अभी शुभमन गिल कैप्टनसी कर रहे हैं बिकॉज हार्दिक पांड्या इज नॉट अवेलेबल फॉर इन द T20 फॉर्मेट। तो यंगस्टर्स को चांसेस दिया जाता है ओनली वेन द कैप्टन इज नॉट अवेलेबल। सो बट पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, वहाँ एकदम म्यूजिकल चेयर्स चलती रहती है, कभी किसी को कैप्टन बनाओ, कभी किसी को कुछ बनाओ, कभी किसी को कुछ बनाओ, तो बहुत ही वहाँ खिचड़ी विचड़ी पक रही है। एंड उस खिचड़ी का अभी सबसे पहले इंग्रेडिएंट जो सामने आया है वो ये है कि शाहीन शाह अफरीदी हैज़ मिसबिहेव वेरी बैडली इन द टीम इन द T20 वर्ल्ड कप। एंड जो है दूसरी ये चीज़ है कि सिलेक्टर्स को फायरिंग हो रही है, अब देखा जाएगा किन प्लेयर्स को रिटेन किया जाता है एंड कुछ दिनों में शायद हमें खबर आएगी कि कौन से प्लेयर्स जो हैं वो टीम में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। एंड अब तो इनकी नेक्स्ट मैचेस अगस्त एंड में है, तो जब उस टाइम टीम डिक्लेयर की जाएगी तो किन प्लेयर्स को यू नो ये बिठा देंगे। सो एनीवे ये दूसरी जो थी वो खबर थी रिगार्डिंग पाकिस्तान। अब हम थोड़ा इंडियन फ्रंट में आते हैं। इंडियन फ्रंट में ये चल रहा है कि गौतम गंभीर जी जो है अपनी टीम बनाने में लगे हुए हैं एंड गौतम गंभीर जी ने अभिषेक नायर को तो अपने साथ बैकएंड स्टाफ में इंक्लूड कर दिया है जो ऑलरेडी KKR में थे उनके साथ, लेकिन गौतम गंभीर इज पुशिंग फॉर रायन टेंडर्सकाटे। तो रायन टेंडर्सकाटे जब वो खेलते थे, ही इज अ डच प्लेयर, नेदरलैंड्स की तरफ से खेलते थे, मुझे वो बहुत पसंद थे। ही वॉज यू नो
बहुत अच्छा खेलते थे, ही वॉज अ स्टैंड आउट प्लेयर फॉर हिज कंट्री. लेकिन अब वो कोचिंग में है बिकॉज ऑब्वियसली एज हो गई है. लेकिन यू नो काफी सारी लीग्स में रायन टंडर्स काटे का इन्वॉल्वमेंट है, इवन आईपीएल में वो केकेआर के साथ है. एक तरफ से एक फैक्शन ये कह रहा है कि गौतम गंभीर सारे केकेआर के स्टाफ को अपनी तरफ लेके आ रहे हैं, अभिषेक नैयर को भी उन्होंने लिया और अब रायन टंडर्स काटे को भी वो ले रहे हैं. लेकिन गौतम गंभीर का ये कहना है कि रायन टंडर्स काटे इज वन ऑफ द मोस्ट सेल्फलेस इंडिविजुअल्स दैट ही हैज वर्कड विद. सो ही सेज ही कैन इवन टेक अ बुलेट फॉर यू अगर वो यू नो आपके लिए काम करते हैं. तो मुझे इस तरीके के सेल्फलेस इंडिविजुअल्स चाहिए. इट डज नॉट मैटर वेदर वो इंडियन है या नहीं है. वैसे इंडिया जो है मोर ऑर लेस प्रिफर करती है सपोर्ट स्टाफ में इंडियंस ही हों. तो लेट्स सी अगर गौतम गंभीर की ये बात मानी जाती है रिगार्डिंग रायन टंडर्स काटे, बिकॉज फ्री हैंड मिला है गौतम गंभीर को, बीसीसीआई की तरफ से फ्री हैंड मिला है अपना पूरा बैक एंड स्टाफ चूज करने के लिए. लेकिन एक फॉरेनर को इंक्लूड करेंगे और वो भी एक रिलेटिवली अननोन नेम है, बहुत बड़ा नाम नहीं है, लेकिन उनकी रेप्यूटेशन, द रेप्यूटेशन कैरीड बाय रायन टंडर्स काटे इज यू नो फिनोमिनल एज पर गौतम गंभीर. एंड गौतम गंभीर इज नॉट लाइट विद हिज प्रेजेस, ऐसा नहीं है वो हर किसी को प्रेज करते हैं, वो बहुत मुश्किल से किसी को प्रेज करते हैं. अगर उनकी वहां एकदम खुली प्रेज आई है रिगार्डिंग रायन टंडर्स काटे, देन ऑब्वियसली देर इज सम यू नो बेसिस ऑफ इट. सो लेट्स सी अगर बीसीसीआई अलाउ करती है हमारे गौतम गंभीर को टंडर्स काटे को इंक्लूड करने के लिए बैक एंड स्टाफ में, तो दैट विल सून बी नोन. बोलिंग कोचेज में जाहिर खान एंड लक्ष्मीपति बालाजी का नाम आ रहा है. वैसे काफ़ी लोग जो है वो ये कह रहे थे कि मे बी यू नो विनय कुमार को लेके आएंगे ये गौतम गंभीर, लेकिन विनय कुमार का नाम थोड़ा सा पीछे हो गया है अभी. एंड जैक एंड लक्ष्मीपति बालाजी आर इन द फोर फ्रंट. सो लेट्स सी अ बोलिंग कोच का क्या डिसीजन रहता है. बैटिंग कोच में तो अभिषेक नैयर ही आ रहे हैं. सो जैसे जैसे स्टोरी अपडेट होगी वैसे हम आपको अपडेट करेंगे. चलिए इसके अलावा जो है कल इंडिया का मैच था, इंडिया ने वो मैच जीत लिया है एंड 23 रन से हालांकि हमने वो मैच जीता, बट आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद आर इंडियन बॉयज बिकॉज जिस तरीके से स्टार्ट मिली थी फर्स्ट 3-4 ओवर्स में उस तरीके से एंड में स्कोर नहीं बना. 182 वी स्कोर्ड एंड ये स्कोर जो था इजिली जो 220 के ऊपर जा रहा था. अभिषेक शर्मा जो लास्ट मैच के सेंचुरियन थे, जैसे ही जायसवाल आए जायसवाल को ऊपर ओपनिंग करवाई है, अभिषेक को नंबर 3 पे करवाया एंड अभिषेक फेल हो गए. सो द थिंग इज दैट एक सेंचुरियन का नंबर आपने डिस्टर्ब कर दिया. एंड शुभमन गिल 49 बॉल 66 रन वॉज एक्सट्रीमली स्लो. एंकर इनिंग्स आपने खेलनी है तो आप एक ओपनर को एंकर नहीं बना सकते, आपको नंबर 3 को एंकर बनाना है. ओपनर्स को जो है पावर प्ले का फुल ऑन एडवांटेज उठाना यू नो जरूरी है. सो आई डोंट अग्री विद दिस दैट गिल बिकॉज ही इज द कैप्टन ही ड्रॉप द सेंचुरियन टू नंबर 3 एंड ही पुट हिमसेल्फ अप एंड ही पुट जायसवाल अप. सो आई डिसएग्रीड विद दिस. एंड देन यू नो इन्होंने रिंकू सिंह को नहीं भेजा, शिवम दुबे को नहीं भेजा, एंड में 17th ओवर में विकेट गई थी. उसके बाद यू नो दे सेंट ऋतुराज गायकवाड, नहीं उनकी विकेट तो पहले ही चली गई थी जब जायसवाल आउट हो गए थे, तो गायकवाड को उन्होंने भेज दिया है. एंड गायकवाड यार उस टाइम एक्सेलरेशन की जरूरत थी, काफ़ी स्लो हो गया था रन रेट बिटवीन द 4th ओवर टू द 12th ओवर. सो एक्सेलरेशन की जरूरत थी, गायकवाड वॉज नॉट द गाय टू एक्सेलरेट. शुरू में वो भी बहुत स्लो खेले, हालांकि ही कवर्ड अप एट दी एंड, बट इनिशियली यू नो ही वॉज ऑल्सो इक्वली स्लो, बॉल ही नहीं लग रही थी. सो आई थिंक थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर एंड कॉम्बिनेशन पे वर्क करना पड़ेगा. अभी तो चलिए यू नो टेम्प्ररी कोच है वीवीएस लक्ष्मण है, सो आई डोंट रियली यू नो थिंक कि वो उतना दिमाग अपना लड़ाएंगे. वो अपनी सीरीज वीरीज जिताएंगे और वापस ले आएंगे इन लड़कों को एंड देन ही विल हैंड ओवर द रेंस टू गौतम गंभीर एंड हार्दिक पांड्या एंड देन दे विल टेक अ प्रॉपर कॉल. बट आई डू बिलीव दैट शुभमन गिल शुड बी सेंसिबल इनफ एंड सेल्फलेस इनफ टू ड्रॉप हिमसेल्फ टू नंबर 3 बिकॉज वो ओपनर की पोजिशन में बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहे हैं. सो एनीवे इसके अलावा एक टेस्ट मैच चल रहा है एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो जिमी एंडरसन का जो है वो लास्ट टेस्ट मैच है. तो भाई उस टेस्ट मैच में कल जो है गस एटकिंसन जो डेब्यू मैच था, फास्ट बॉलर है इंग्लैंड की तरफ से, वैसे मैंने उनको पहले भी देखा है, वो यू नो बॉलिंग करते रहते हैं काउंटी वाउंटी इधर उधर, सो वो अच्छी बॉलिंग करते हैं. एंड
he took 7 wickets, 7 for 45 is what he delivered. So, bhai, I think it's a correct decision ki Jimmy Anderson, jo ek hi wicket, wo bhi last batter ki wicket le sake. So, he's making way for youngsters and Gus Atkinson ne Lords mein kal 7 wicket haul le liya for 45 runs. Ekdam dissimilate kar diya aapke West Indies ko. And already, jo stumps pe, England was leading by 68 runs, 189 for 3 unka score hai. And abhi only first day hua hai, to ek bari jo hai West Indies khatam ho chuki hai. England is already leading by 68. Mujhe aisa lag raha hai ki 250 se upar ye run chali gayi, lead chali gayi. I don't think they will have to even bat twice. तो वेस्ट इंडीज को थोड़ा सा पुल अप सॉक्स करने पड़ेंगे, बिकॉज दिस इज वेरी मिजरेबल परफॉर्मेंस. 3 दिन के अंदर अंदर अगर आप मैच हार जाते हैं, एंड वो भी आपकी एक बारी आप बैट करवाते हैं, दूसरी बारी आपकी बैटिंग दूसरे ऑपोजिशन को बैट भी नहीं करवाते हैं, सो ये काफी पुअर शो हो जाएगा वेस्ट इंडीज की तरफ से. लेकिन द फ्यूचर फॉर इंग्लैंड इज लुकिंग ब्राइट, बिकॉज गस एटकिंसन हैज टेकन 7 विकेट्स. जिमी एंडरसन की वहां डॉटर्स आई थी, उन्होंने बेल को रिंग किया, बड़ी स्वीट थी दोनों. एंड जिमी एंडरसन थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे लास्ट टेस्ट मैच में, बट आई थिंक इट्स द राइट टाइम. इनफैक्ट थोड़ा सा टाइम ऊपर ही हो गया, 1-2 साल पहले जब स्टुअर्ट ब्रॉड ने एक्चुअली रिटायरमेंट ली थी, आसपास में जिमी एंडरसन भी ले लेते, सो दैट वुड हैव बीन बेटर, देन ही वुड नॉट हैव बीन आस्क्ड. अभी तो बेन स्टोक्स, ब्रेंडन मकलम ने उनको बोला था कि आप रिटायरमेंट ले लीजिए इस सीरीज के बाद, तो उन्होंने इस मैच को डिसाइड किया कि लॉर्ड्स में ही मैं खत्म करूंगा. सो लोगों को पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, यू शुड हैव डन इट योरसेल्फ, दैट वुड हैव बीन मोर रिस्पेक्टफुल. एनीवे, अब ये इनका लास्ट मैच है, मोस्ट लाइकली ये मैच कल तक शायद खत्म हो जाना चाहिए, आज भी हो सकता है लेकिन शायद कल तक खत्म हो जाना चाहिए. एंड देन वी विल नॉट सी जिमी एंडरसन एटलीस्ट इन द इंटरनेशनल फॉर्मैट. तो भाई बाय बाय टू द चैंपियंस, टू द चैंपियन प्लेयर, एंड थैंक यू फॉर सर्विंग क्रिकेट फॉर 21 ईयर्स. सो एनीवे, आई थिंक मोर और लेस ये सारा अपडेट हो गया है आज की न्यूज़ का. आज का जो लाइव सेशन होगा वो अराउंड 10:15 होगा, एंड उसमें अभी ये इंग्लैंड का मैच भी हम डिस्कस करेंगे, वो चैंपियंस का लेजेंड्स लीग भी चल रही है वो मैच भी थोड़ा वॉच अलॉन्ग कर लेंगे, एंड बाकी भी जो अपडेट्स होंगी चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ से अपडेट्स होंगी, इंडियन टीम की तरफ से होंगी, वो हम आपको अपडेट करेंगे. तो डू जॉइन अस देन इन द लाइव सेशन. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड अगर कोई कमेंट्स है तो अब आप इसमें लिख सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे टुडे.